Good morning, everyone. Today I'm going to start new topic, that is dosage forms. Before we tell about the dosage form, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डोसेज फॉर्म में जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं एग्जैक्टली डोसेज फॉर्म होता किस चीज़ का है और डोसेज फॉर्म में मेन इंग्रेडिएंट इज ड्रग. तो व्हाट इज ड्रग? ड्रग में भी डिफाइंड एज एन एजेंट और सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल्स. जैसे घर पे हम लोग कभी खांसी जुकाम कुछ हो जाता है तो घर में बोलते हैं कि अदरक, तुलसी ये सब लिया जाए, तो दैट आज इनको बोलते हैं क्रूड ड्रग्स. ये क्रूड ड्रग हैं, लेकिन उनमें से अगर हम उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल लें, उनको और थोड़ा सा रिफाइन कर लें, तो वो हमारे जो ड्रग हैं वो उनका वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आ जाते हैं. जैसे कि जो चिली है, अगर चिली हम क्रूड ले रहे हैं, पूरा फुल चिली क्रूड, अगर मैं उसमें से उसका कैप्सिसिन निकाल लूँ तो दैट कैप्सिसिन इज अ केमिकल कॉन्स्टेंट जिसकी वजह से वहाँ पे वो उसका इतना जो टेस्ट आता है. और जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम टर्मरिक का, टर्मरिक इट्सेल्फ एज अ क्रूड ड्रग, लेकिन अगर मैं उसमें से कर्क्यूमिन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट येलो, जो टर्मरिक का येलो कलर है वो कर्क्यूमिन का, कर्क्यूमिन की वजह से आता है, तो उसमें से अगर हम कर्क्यूमिन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उस ले लें, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लें तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है. तो हमें इतना जो चीज़ हम बल्क में यूज कर रहे थे, जैसे कि कैफीन, कैफीन हम बोलते हैं चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हम फ्रेश हो जाते हैं. तो फ्रेश क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कैफीन, दैट कंटेन्स कैफीन. लेकिन कैफीन ऐसा नहीं कि मैंने एक कप चाय पिया तो मुझे कैफीन मिल गया या मैंने हम लोगों को वो जो है एंग्जाइटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है. हम 1 kg कैफीन में जस्ट 1 mg ऑफ कैफीन मिलता है अगर अब आप 1 kg टी या कॉफी लेते हैं तो दैट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो ये भी हम इसकी बात कर रहे हैं. ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म्स. दे आर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सुटेबल फॉर्मुलेशंस. एंड ये जो हमारा, जो मैंने आपको बताया कि ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब हम स्मॉल क्वांटिटीज में लेके आते हैं तो वो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की तरह वर्क करते हैं, और उनके साथ हम दूसरे एडिटिव्स या दूसरे एक्सिपिएंट्स को ऐड करके उनको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम उसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकें. क्योंकि हम अगर कोई ड्रग पोटेंट है, यानी कि अगर थोड़ा ड्रग है वो उसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बोला जाता है कि जो पैरास्टामोल है उसकी डोज 500 mg है, तो आप 500 mg बे तो करके लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसे डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि जब भी आप एक टैबलेट लें तो आप जो एडमिनिस्टर करेंगे दैट शुड बी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डोज. तो इसीलिए डोसेज फॉर्म को हम प्रिपेयर करते हैं. तो डोसेज फॉर्म्स आर द कैरियर through which drug molecule are delivered to the site of action within the body. Every dosage forms is a combination of drug and different kinds of non-drug components, जिसको हम बोलते हैं excipients और additives. तो ऐसा नहीं कि जो tablet आ रही है, जैसे जो ciprofloxacin की अगर tablet आ रही है तो वो पूरी की पूरी ciprofloxacin की tablet है, ऐसा नहीं है. उसको अगर वो ciprofloxacin की dose suppose 250 mg है या 100 mg है, तो उसके अंदर वो टैबलेट का जो टोटल वेट है वो होता है 350-500 mg. तो बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी बची हुई जो चीजें हैं उसमें, दैट आर द एडिटिव्स, और उनकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती है, बट ऑल आर कंपैटिबल विद ड्रग. तो ये हमने यहाँ पे बात की है इसमें एडिटिव्स की. तो दैट आर एडिटिव्स आर द नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज एक्सीपियंस एंड एडिटिव्स. एंड द एडिटिव्स आर यूज टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी एंड मोर एलिगेंस टू द प्रिपरेशन. कि जो हमारे जो ड्रग है दैट शुड बी स्टेबल. अगर आज मैंने मैन्युफैक्चर किया है तो हम उसके ऊपर शेल्फ लाइफ लिखते हैं. शेल्फ लाइफ होता है एक्सपायरी. जो एक्सपायरी लिखी जाती है तो आपने लिया, आप हमेशा एक्सपायरी देख के चेक करते हैं ना, तो एक्सपायरी कैसे पता की जाती है कि उस ड्रग को डिफरेंट एडवर्स कंडीशन पे रखा जाता है, उस डोसेज फॉर्म को.
और उसको फिर टेस्ट किया जाता है कि ये कितनी देर तक, यानी कि कितने दिनों तक ये स्टेबल था, तो उसके बिहाफ पर हम वहां पर उसकी एक शेल्फ लाइफ या उसकी एक्सपायरी पीरियड को प्रिडिक्ट करते हैं। तो नॉर्मली 2 साल 3 साल हम उसकी एक्सपायरी पीरियड को प्रिडिक्ट करते हैं, और डेट शुड बी स्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो हम उसको उसके साथ कंपैटिबल करते हैं, इजीली उसको लेने की कोशिश करते हैं। देन दिखने में भी थोड़ा, जैसे बच्चों के लिए थोड़ा होता है कि वो देट शुड बी मोर एलिगेंस, कि अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चे को हम सिरप दे रहे हैं, तो अगर सिरप को हम कहते हैं पी लो बेटा, देट ये ऑरेंज फ्लेवर का है, ऑरेंज फ्लेवर का है, लेकिन ऑरेंज फ्लेवर में अगर उसका कलर रेड दिखता है तो आपके दिमाग में ऑरेंज फ्लेवर आएगा ही नहीं। तो अगर हम उसको बोल रहे हैं कि वो ऑरेंज फ्लेवर का है, तो वो ऑरेंज कलर ही उसमें दिखाई देगा। अगर हम बोल रहे हैं कि इसका फ्लेवर लेमन है, तो दैट शुड बी स्लाइटली येलो। और अगर हम बोल रहे हैं कि इसका फ्लेवर जो है स्ट्रॉबेरी है या और इस टाइप का, तो हम उसको पिंकिश टू रेड टू पिंकिश कलर में कलर होता है। तो टेस्ट एंड कलर, ये दोनों को हम ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट को, हमें प्रोडक्ट की एलिगेंसी पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब ये डोसेज फॉर्म बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड फॉर डोसेज फॉर्म फॉर एक्यूरेट डोज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जिस भी जितने टाइम भी आप उस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, दैट शुड बी इन एक्यूरेट डोज। देन प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल कोटेड टैबलेट्स, सील्ड एम्प्यूल्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो गैस्ट्रिक मीडिया में स्टमक में जाकर के डिग्रेड हो जाती हैं, तो उस टाइप के फॉर्मुलेशन को हम एंट्री कोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर दैट प्रोवाइड ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू, एग्जाम्पल इंजेक्शन। देन सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, फेलिसिटेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इन टू द बॉडी कैविटीज, फॉर एग्जाम्पल रेक्टल, वजाइनल, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट नीड इज प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी, दैट प्रोवाइड ड्रग एक्शन थ्रू टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल एरिया ऑफ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल क्रीम, जो जो मैंने कल हम लोग बात कर रहे थे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो फॉर एग्जाम्पल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, इमल्शंस, लोशंस, जेल्स एक्सेट्रा, यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्यूबल ड्रग्स। अब ये हमारा ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। इसको हम ये अभी तक हमने बात की कि ये जो हमारा ड्रग है, व्हाट इज ड्रग, देन व्हाट इज डोसेज फॉर्म, और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें डोसेज फॉर्म बनाने की। तो हमारा चैप्टर जो था, उस चैप्टर का नाम ही था डोसेज फॉर्म। तो अब आता है कि डोसेज फॉर्म जो हम ये अब बात कर रहे थे डोसेज फॉर्म की, तो ये डोसेज फॉर्म हमने क्लासिफाई किया है इनको 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकेंड वन इज लिक्विड डोसेज फॉर्म, एंड थर्ड वन इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, अब लेट अस डिस्कस बाय वन। तो हम सबसे पहले लेते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म में पहली उसको हमने दो में डिवाइड किया। पहला है यूनिट, सेकेंड वन इज बल्क। ओके, तो यूनिट मतलब सिंगल, जैसे कि टैबलेट ले रहे हैं, एक आपने स्ट्रिप में से लिया, एक टैबलेट ले लिया और वो खत्म, तो दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म। उसके बाद यूनिट डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड पिल्स। पाउडर्स ऐसे कि पाउडर्स ना उसकी फॉर्म में आते हैं, सैशेट की फॉर्म में, या आपको वे करके एक एक सैशेट बना दिया जाता है और बोला जाता है कि इतना पाउडर आपको लेना है, तो ये पाउडर्स की फॉर्म में होता है। तो ये अब ये जो जो डोसेज फॉर्म है ना, सिंगल सिंगल टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, तो इसकी डेफिनेशन अब अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें एक एक करके इनको लेंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में। यूनिट डोसेज फॉर्म में एग्जाम्पल्स हैं हमारे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड पिल्स। अब ऐसा नहीं है कि पाउडर अगर यूनिट डोसेज फॉर्म में आ रहा है तो पाउडर बल्क में नहीं आएगा, पाउडर बल्क में भी आ सकता है। तो ये डोसेज फॉर्म रिपीट हो सकते हैं, डिपेंड्स कि वो आपको कैसे एडमिनिस्टर करने हैं और कहाँ पे एडमिनिस्टर करने हैं। देन अब आता है बल्क। बल्क मतलब पूरा का पूरा पाउडर है, उसको हमने सिंगल नहीं बनाया हुआ, जैसे कि सिरप। ठीक है, सिरप में पूरा का पूरा एक जो कंटेनर आता है, उस कंटेनर में से बोला जाता है आपको 5 ml ले लो, 5-5 ml आपको इतनी बार लेना है, तो दैट इज बल्क। तो आपको उसमें बार 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 लेना पड़ रहा है, यानी कि आपने एक बार लिया और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो बल्क में आते हैं हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म. एग्जाम्पल्स फॉर इंटरनल डोसेज फॉर्म्स आर फाइन पाउडर्स, एफोवेसेंट पाउडर एंड इंसफ्लेशंस. ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास और आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फाइन पाउडर, व्हाट आर एफोरेसेंट पाउडर, व्हाट इज इंसफ्लेशंस. देन एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म में आते हैं डस्टिंग पाउडर्स, डेंटिफ्राइसिस, स्नफ्स एंड ईयर पाउडर्स. तो डस्टिंग पाउडर्स, डेंटिफ्राइसिस मींस जो बकल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो भी पाउडर्स यूज किए जाते हैं, मतलब डेंटिफ्राइसिस मींस टू मेंटेन द बकल हाइजीन. अब वो टूथपेस्ट भी हो सकता है, वो टूथ पाउडर भी हो सकता है, वो माउथ वॉश भी हो सकता है, इवन वो टूथ ब्रश भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टूथ पाउडर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया ये. तो हो सकता है डेंटिफ्राइसिस जो है मैं आपको लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी बता दूं. तो ये हो गए हमारे डेंटिफ्राइसिस, स्नफ्स और ईयर पाउडर. स्नफ जो है जो हम इनहेल करते हैं, तो वो हमारे स्नफ्स, देन ईयर पाउडर्स. तो ये था हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म में, सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसको हमने सिंगल और बल्क, यानी कि यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म में क्लासिफाई करके उनको एक्सप्लेन किया. अब आते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में. थोड़ा देखने में लिक्विड डोसेज फॉर्म आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा क्लासिफिकेशन थोड़ा वास्ट है उसका. तो लिक्विड डोसेज फॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. पहला है मोनोफेसिक, दूसरा है बाइफेसिक. ठीक है, मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक. मोनोफेसिक मींस अगर आपने उसको जो भी सॉल्वेंट सिस्टम है, मेनली अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट सिस्टम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर. अगर कोई चीज वाटर में सॉल्युबल हो जाती है और वो जैसे कि सॉल्ट, नमक, चीनी, तो ये चीजें अगर उसमें सॉल्युबल हो जाती है और जैसे, तो हमें वो अलग अलग नहीं कर सकते, दैट शुड बी सॉल्युबल. तो अगर उसमें प्रॉपर सॉल्युबल है तो हम उसको बोलते हैं मोनोफेसिक, और अगर उसमें सॉल्युबल नहीं हो रही है या वो उसको हम किसी जैसे पाउडर को लिक्विड में सॉल्युबल नहीं हो रहा है या लिक्विड लिक्विड में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो वो हमारे दो फेस में कन्वर्ट हो जाता है कि एक अपर फेस, हम बोल रहे हैं कि ये दो फेसेस में डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं बाइफेसिक. तो ये होता है बाइफेसिक. तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक कैटेगरी थी हमारी मोनोफेसिक, दूसरी कैटेगरी थी बाइफेसिक. अब हम मोनोफेसिक और बाइफेसिक में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं कि बाइफेसिक में जो मैंने बताया कि अगर हमारा सॉल्वेंट सिस्टम तो वाटर ही था, लेकिन वाटर के साथ साथ अब वाटर के अंदर चौक मिलाना है, वाटर के अंदर ऑयल मिलाना है. तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ दैट चौक पाउडर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर and that oil is not soluble in water. तो यहाँ पे बस एक थोड़ा सा है कि अगर हमारा कोई भी लिक्विड अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम सोल्यूबल की बजाय टर्म यूज करते हैं मिसिबल. इसका हम अब यहाँ क्या बोलेंगे, that oil is not miscible with water and chalk powder is not soluble in वाटर. तो सॉल्युबिलिटी और मिसिबिलिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो हमारा इंटरनल फेस है, दैट इंटरनल फेस हमारा क्या है. अगर इंटरनल फेस, इंटरनल फेस में जो चीज आपको उसमें सॉल्युबल करनी है, दैट इज नोन एज इंटरनल फेस, और जिसमें सॉल्युबल करनी है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फेस. ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल फेस होता है, उस इंटरनल फेस के बेसिस पे हमारी ये टर्म चेंज हो जाती है. दोनों में है वही कि आपको उसमें मिक्स करना है, मतलब सॉल्युबल करना है. बट अगर आपका इंटरनल फेस सॉलिड है तो टर्म यूज करते हैं हम सॉल्युबिलिटी, और अगर आपका इंटरनल फेस लिक्विड है तो हम टर्म यूज करते हैं मिसिबिलिटी. ये मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपका इंटरनल फेस सॉलिड है तो हम बनाते हैं सस्पेंशन, और अगर आपका इंटरनल फेस लिक्विड है तो हम बनाते हैं इमल्शंस. ठीक है, अब आता है हम लोग अब आते हैं पहले मोनोफेसिक कर लेते हैं. मोनोफेसिक सिस्टम में जो हमारा सिस्टम है उसमें उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दोनों इनफैक्ट तीन में डिवाइड किया हुआ है. पहला है ओरल यूज, दूसरा है एक्सटर्नल यूज एंड थर्ड वन इज स्पेशल यूज. ठीक है, वो ना ओरल है ना एक्सटर्नल है, तो स्पेशल यूज के लिए. तो मोनोफेसिक में ओरल, एक्सटर्नल एंड स्पेशल. तो ओरल के एग्जाम्पल हैं मिक्सचर्स, सिंपल मिक्सचर्स, सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स. अब आपके लिए टर्म थोड़े नए होंगे, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स, तो ये हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट उसमें. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल यूज, मिक्सचर्स, सिरप, एलिक्सर, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स, ड्रॉट्स, स्पिरिट्स एंड एरोमेटिक वाटर्स. देन फॉर एक्सटर्नल यूज, लिनिमेंट्स, लोशंस और कोलोडियंस. देन फॉर स्पेशल यूज, गागल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेस
आई लोशंस, आई ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, इरिगेशन लिक्विड्स, स्प्रेज, एनिमास, डचेस, इनहेलेशन एंड पेरेंट्रल्स, ये मोनोफेसिक में स्पेशल यूज में आते हैं. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पर आ गए हैं तो ये बाईफेसिक में नहीं होंगे, बाईफेसिक में भी होंगे लेकिन इनका नेचर थोड़ा चेंज हो चुका होगा. ठीक है, तो अब ये भी बाईफेसिक को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला ओरल, दूसरा एक्सटर्नल एंड थर्ड वन इज स्पेशल. तो ओरल यूज में आते हैं इमर्शन एंड सस्पेंशन, देन एक्सटर्नल यूज में लोशन एंड लिनिमेंट्स, देन नेक्स्ट इज स्पेशल में आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, एनिमास, इनहेलेशंस एंड एरोसोल्स. तो ये था हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन. देन नेक्स्ट कम्स टू सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल. इंटरनल में आते हैं सेमी सॉलिड में सपोजिटरीज एंड पेसरीज, एंड एक्सटर्नल यूज में आते हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज, पॉल्टिस एंड प्लास्टर्स. तो ये हमारा एक समरी है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म की, जो एग्जाम में आता है, 14 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आता है ये, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो आपको ये क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करना है और उसके बाद हर जो भी हमने इनकी एग्जाम्पल्स बताए हैं उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है. देन नेक्स्ट कम्स टू इलेबोरेशन, कि अब हम इसको हम कैसे एक एक पार्ट को हम लोग इलेबोरेट, पहले तो हम लोग बात कर, ये क्लासिफिकेशन किया हमने इसकी फिजिकल नेचर को देखते हुए. फिजिकल मतलब कि वो दिखने में कैसा है, भले ही वो कहाँ कहीं पर भी यूज हो रहा है लेकिन वो दिखने में कैसा है. अगर वो सॉलिड है तो हमने उसको सॉलिड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अगर वो लिक्विड है हमने लिक्विड में डिवाइड कर दिया, अगर वो सेमी सॉलिड था हमने सेमी सॉलिड में, भले ही वो कहीं पे भी यूज हो रहा है लेकिन एक क्लासिफिकेशन है एज पर इट्स एप्लीकेशन, कि वो कहाँ पे कौन से रूट से दिया जा रहा है. तो सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है हमारा एज पर क्लासिफिकेशन एज पर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं. तो ये जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में अगर ओरल हम दे रहे हैं तो ओरल के डोसे ओरल में डोसेज फॉर्म में हमारे सॉल्यूशंस, अब हमें ये नहीं पता, ये नहीं कह सकते कि ओरल में कौन कौन, ओरल में हमारे तीनों आ जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड सब आ जाते हैं. तो सॉल्यूशंस, सिरप्स, एलिक्सर्स, सस्पेंशंस, इमर्शंस, जेल्स, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पिल्स एंड सेशेट्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे ओरल के. देन एग्जाम्पल्स फॉर रेक्टल डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड इमर्शंस. देन रूट इज वजाइनल, देन पेसरीज, जेलीज, ऑइंटमेंट्स, डचेज एंड फोम्स. फॉर टॉपिकल, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, लोशंस, लिनिमेंट्स, जेल्स, सॉल्यूशंस, टॉपिकल एरोसोल्स, पॉल्टिस एंड कोलोडियंस. दीज आर द टॉपिकल एग्जाम्पल्स फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन. देन पेरेंट्रल्स, पेरेंट्रल्स के एग्जाम्पल हैं इंजेक्शंस. इंजेक्शंस में सॉल्यूशन आते हैं, डोसेज फॉर्म में आता है सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस एंड पाउडर फॉर्म्स. जो पाउडर फॉर्म्स हैं इनके साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन आता है जिसमें हम उसको सॉल्यूबल करते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन बना करके हम देते हैं. ठीक है, देन इनहेलेशंस, स्प्रेज एंड गैसेस. देन नेक्स्ट वन इज नेसल. नेसल में है सॉल्यूशंस, इनहेलेशन, इंसफ्लेशंस, देन आई, इमल्शंस, सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स. इन ईयर, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड ऑइंटमेंट्स. तो ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन था और ये क्लासिफिकेशन था दैट इज बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब आता है हम जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था एज पर इट्स फिजिकल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग इलेबरेट कर रहे हैं. तो पहला हमारा आता है सॉलिड डोसेज फॉर्म. सॉलिड डोसेज फॉर्म ने हमने ये सब चीजें देखी थी, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, ग्रैन्यूल्स, डस्टिंग पाउडर्स. तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ये टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स, पिल्स, ग्रैन्यूल्स एंड डस्टिंग पाउडर्स. तो
ये हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म है। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म को अब हम थोड़ा सा मैं और बताऊं कि सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या क्या होते हैं। दैट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोसेज फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द डोसेज फॉर्म्स आर अवेलेबल इन यूनिट डोज। यूनिट डोज मतलब सिंगल सिंगल, जैसे एक ये टैबलेट है तो आपको एक टैबलेट लेनी है, दिस इज नोन एज यूनिट डोसेज फॉर्म। ओके, लेकिन ये यूनिट नहीं है, डस्टिंग पाउडर इज नॉट अ यूनिट, दैट इज एग्जाम्पल फॉर बल्क। नेक्स्ट, यूनिट डोज मे बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वंस, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, सैशेट्स, पाउडर्स एक्सेट्रा। व्हेन ड्रग आर टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली इन ड्राई स्टेट, देन टैबलेट, कैप्सूल्स आर मोस्ट कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म्स। देन सम सॉलिड्स आर सप्लाइड इन बल्क, बल्क में मतलब बहुत ज्यादा में, मीन्स क्वांटिटी अवेलेबल इन लार्ज। देन बल्क पाउडर्स कैन बी सप्लाइड एज इंटरनल, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर, एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल, फॉर एग्जाम्पल इज डस्टिंग पाउडर्स एंड इंसफ्लेशंस। अब एक एक जो हमारे अभी मैंने बताया सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, अब हम एक एक जो हमारा एग्जाम्पल थे उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट हम लोग लेते हैं डस्टिंग पाउडर्स। तो डस्टिंग पाउडर्स आर अप्लाइड एक्सटर्नली टू स्किन, दैट मीन्स कि ये हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, टू द स्किन, सो दैट दे कैन बी अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। हेंस डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू सीव नंबर 80 टू ऑब्टेन फाइन पार्टिकल्स। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट आर द सीव्स, सीव्स सॉर्ट ऑफ जो छन्नी होती है उसमें, और ये नंबर 80 मींस कि उसमें जो जो उसकी वीविंग है, यानी कि जो मेटल से जब उसकी वीविंग होती है तो उस वीविंग के बीच का जो अपर्चर साइज है, उस अपर्चर साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको सीव नंबर देते हैं। तो सीव नंबर 80 इज वेरी फाइन, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 80 और 10 सीव का मतलब क्या होगा कि एक कॉटन के क्लॉथ जितना उसका अपर्चर साइज है और उसमें से आप पास कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कॉटन के कपड़े में से अगर पास करते हैं तो वो कॉटन का जो कपड़ा है उसका जो सी उसका जितना साइज होगा, अपर्चर साइज होगा, वो नियर अबाउट, दैट इज नियर अबाउट टू सीव नंबर 80। देन मतलब वो इतना फाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीव नंबर 80 में से पास नहीं करेंगे तो ये पार्टिकल्स इसके थोड़े से, अगर इनकी थोड़ी सी भी शार्प एज है, अगर ये थोड़ा सा भी नुकीला है तो ये स्किन को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो डस्टिंग पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन इंग्रेडिएंट इन विच आइदर स्टार्च, कियोलिन और टैल्क आर यूज्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। जनरली टैल्क एंड कियोलिन आर यूज्ड बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर। नॉर्मली जो हम डस्टिंग पाउडर में हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है टैल्क, लेकिन टैल का कलर व्हाइट है, कियोलिन का कलर थोड़ा पिंकिश होता है, तो अगर हमारे डस्टिंग पाउडर में हमें थोड़ा पिंकिश शेड देना है तो हम कियोलिन यूज करते हैं। देन डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक एक्शन, ये इसकी कैटेगरी है, मतलब डस्टिंग पाउडर्स जो है नॉर्मली एंटीसेप्टिक एक्शन, दैट कंटेन्स एंटीसेप्टिक एक्शन, यूज एज एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट, एंटीपर्सपिरेंट। तो यहाँ पे जो हम एंटीपर्सपिरेंट की जो बात कर रहे हैं, ये एंटी पर्सपिरेंट मतलब जो स्वेटिंग को प्रिवेंट करते हैं, एब्जॉर्बेंट जो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, एस्ट्रिंजेंट जो है जो कोएगुलेशन, जो हमारे जो पोर्स हैं उन पोर्स की क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, एंड देन एंटीसेप्टिक जो है जो बैक्टीरियल जो हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो डस्टिंग पाउडर्स जो है वो इतनी टाइप्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो मार्केट में जो अवेलेबल डस्टिंग पाउडर्स हैं वो नियर अबाउट मतलब दो कैटेगरी के हैं, जो पहला है मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स और सेकेंड मजे सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स हैं दैट शुड मतलब वैसे तो दोनों ही को हमें स्टरलाइज करना पड़ता है, बट सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी स्टरलाइज्ड, क्योंकि वो ओपन वून पे अगर लगते हैं तो यहाँ पर उससे टिटनेस के चांसेस हो सकते हैं। तो डस्टिंग सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स को जो स्टरलाइज किया जाता है, लेकिन वैसे तो हम दोनों ही डस्टिंग पाउडर्स को स्टरलाइज करते हैं, बट सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स के केस में हम लोगों को ये टेस्ट भी करना पड़ता है। देन व्हाट इज द मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स, देन मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज टू इंक्रीज सुपरफिशियल कंडीशन ऑफ
स्किन दे आर नॉट अप्लाइड ऑन वूंड्स बर्न्स, यानी कि जो अगर हमारी स्किन रक्चर्ड है, कटा हुआ है, तो नॉर्मली उस पर ये मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स को अप्लाई नहीं किया जाता. मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डेंजरस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट ये जो हमारे सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स हैं उनको हम उस पर ओपन वूंड्स पे यूज कर सकते हैं. तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज इन बॉडी कैविटीज एंड ऑल्सो ऑन माइनर वूंड्स लाइक बर्न्स. दे शुड बी स्टरलाइज्ड बिफोर यूज. दे आर मेनली यूज फॉर देयर एंटीसेप्टिक एंड एब्जॉर्बेंट एक्शन. तो ये थे हमारे डस्टिंग पाउडर्स के, हमने दो बताए, मेडिकेटेड एंड सर्जिकल. सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंसफ्लेशंस. That insufflations are medicated dusting powder that is meant for introduction into the body cavities. Body cavities के लिए इसको use किया जाता है. For example, nose, throat, ear, vagina, etc. With the help of an apparatus, जैसे कि अगर हम throat, nose की बात करें तो insufflators, हम लोग किसी चीज से smell करते हैं तो insufflators. It spray the powders in the state of fine particles on the site of application. Nowadays, insufflation are also available in pressure aerosols. Aerosols मतलब कि जो आप लोग घर में हम लोग जो परफ्यूम जो डिओड्रेंट्स यूज करते हैं तो वो जो प्रेशराइज उसके अंदर भर के आता है ना, कहते हैं गैस नो गैस. तो जब आप उसके अंदर जो आपने गैस फिल किया हुआ है, दैट गैस इज नोन एज प्रोपेलेंस. तो अगर आप उसमें प्रेशराइज गैस फिल कर रहे हैं, उसके प्रेशराइज गैस के साथ में हम उसमें अपना कुछ भी मेडिकमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे डिओड्रेंट्स में उसमें हम फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ मेडिकेटेड एरोसोल्स उसमें हमने अपना मेडिकमेंट ऐड किया है और जैसे ही आप उसमें से प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो उसके साथ हमारा मेडिकमेंट भी बाहर आता है, तो उनको हम बोलते हैं एरोसोल्स. तो दिस प्रेशर एरोसोल्स आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स. तो इसमें वॉल्व लगा होता है तो आपको कैलकुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग ही उसमें से बाहर आता है. दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक्स टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्नफ्स. These are finely divided solid dosage forms of medicaments which are inhaled into nostrils. They are mainly used for their antiseptic action. They are used as a bronchodilators and decongestion action. Antiseptic तो microbial growth को prevent करने वाले जितने भी हमारे content हैं उनको बोलते हैं antiseptics. ब्रोंकोडायलेटर जैसे हम बोल रहे ना कि अगर गला हमारा खराश हो रही है तो तब हम ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकिया को. एंड डीकंजेशन जैसे अब हम नाक बंद है तो उसको ओपन करने के लिए जो हम डोसेज फॉर्म यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डीकंजेशन. मतलब उस थेरेपेटिक एजेंट को हम बोलते हैं डीकंजेशन एक्शन शो करता है तो दैट आर नोन एज डीकंजेस्टेंट्स. तो वो सब यूज होते हैं स्नफ में. तो नेजल पैसेज को ओपन करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं उनको कहा जाता है स्नफ्स. देन ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स जो है वो ग्रैन्यूल्स का बेस्ट एग्जांपल है इनो. तो जो आप पानी में डालते हैं और पानी में डालते हैं उसमें से एकदम से गैस निकलती है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहां पे वो वाटर के साथ मिक्स होकर के वो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जो एंटासिड जो यूज हो रहा है एज ए एंटासिड तो वो एसिडिटी को कम कर रहा है. तो वो पी जो हमारा गैस्ट्रिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करता है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रैन्यूल्स, क्योंकि ग्रैन्यूल्स जो है वो फ्लफी होते हैं तो ईजिली वो वाटर को इम्बाइब करते हैं और बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं. तो ग्रैन्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्राइमरी पाउडर्स पार्टिकल आर मेड टू अधेयर टू फॉर्म लार्ज मल्टी पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल एंटिटीज दैट आर कॉल्ड ग्रैन्यूल्स. ठीक है. द बिटर नॉजियस अनप्लीजेंट पाउडर्स कैन नॉट बी गिवन बाय टैबलेट
capsules due to bulk quantity are required to be taken, as well as they are not given in liquid dosage forms due to their stability, such as powders are given in the granules form. तो जिन जब हमें किसी चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना है तो उसको हम टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में नहीं दे सकते क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. तो अगर 1 ग्राम से ज्यादा टैबलेट बन जाएगी तो वो हम उसको ले नहीं पाएंगे. तो हम इसलिए हम जो भी पाउडर्स हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेने हैं तो उसको हम ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं क्योंकि हम उसको टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में नहीं ले सकते. लिक्विड में क्योंकि अगर आप उसको वाटर के कॉन्टैक्ट में आके अगर वो हाइड्रोलाइज हो रहा है तो हम उसको वाटर की फॉर्म में वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं ले सकते हैं. तो इस टाइप के जो ड्रग्स हैं उनको हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म में ही लेते हैं. तो दीज पाउडर आर मिक्स विद सुटेबल एक्सिपिएंट्स अलोंग विद ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स एंड उसके बाद जो हमारा सब मिक्स करते हैं तो वो एक आटे जैसा यानी कि डब जैसा मास बनता है थोड़ा दैट शुड बी कोहरेंट मास. और उसको हम सीव करते हैं. सीव करने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं और वो हमारा ग्रैन्यूल्स की शेप ले लेता है. तो ग्रैन्यूल्स हमारे कितने मोटे होंगे दैट इज बेस्ड ऑन सीव कि आपने किस नंबर का सीव यूज किया हुआ है. अगर आपने बहुत पतला छोटा सीव यूज किया है, छोटे का मतलब होता है नंबर बड़ा. अगर मैं 10 नंबर बोल रही हूँ और 80 नंबर बोल रही हूँ तो 10 नंबर का मतलब होता है बहुत बड़ा सीव. और अगर 80 नंबर है, 80 नंबर का मतलब होता है छोटा सीव. ठीक है. तो एंड पास थ्रू द सीव टू ऑब्टेन द डिजायर्ड साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर एग्जांपल एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स. देन व्हाट आर द एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स? एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स आर मेंट फॉर इंटरनल यूज. दे कंटेन मेडिकमेंट्स मिक्स विद सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. समटाइम्स सैक्रिन और सुक्रोज मे बी एडिड एज अ स्वीटनिंग एजेंट. और यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, जब ये एसिड और बेस दोनों वाटर में मिक्स होते हैं तो ये गैस यहाँ पे वो जो एफर्वेसेंट निकलते हैं ना, या इनको एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी में जब उनको ऐड करते हैं तो वो जो झाग निकल रहा है वो एफर्वेसेंट निकल रहे हैं, इसलिए इनको एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स बोला जाता है. दैट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन the desired quantity of granules are dissolved in water. The acid and bicarbonates, यानी कि जो acid और bicarbonate है, react with each other to produce effervescence. और इसको जो granules हैं, इसको बनाने के हमारे पास दो method हैं. पहला है heat method and second one is wet method. ठीक है. तो आज के लिए इतना sufficient है. मैं next class में हम लोग continue करेंगे. अब बाकी जो topic है अभी हमारा solid dosage form ही चल रहा है. So let's continue in next class.